Hello students, welcome to my math classes, Momina math classes. आज students mathematics इस lecture में हम discussion करेंगे. Ring theory हमारा चल रहा है students. Ring में first unit हमारी ring one ले रही है, जहाँ पे हम आज हमारा topic है theorem on characteristic of integral domain या field, मतलब पूर्णांक या प्रांत या field के अभिलक्षण पर पढ़ने. ये वाला क्या students आज हमारा topic है. तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में दो प्रीवियस लेक्चर हमने देखे हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा है फील्ड का अभिलक्षण पढ़ा है और पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण पढ़ा है. पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड के अभिलक्षण की जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है कि किसी भी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण एक अशून्य संख्या या एक धनात्मक पूर्णांक एन होता है यदि एन डॉट ई बराबर क्या हो, जीरो. तब एन जो है वो क्या कहलाता है, पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण कहलाता है. तो आज जो हमारी थ्योरम है स्टूडेंट्स, उसका स्टेटमेंट है. सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है कि किसी पूर्णांकीय प्रांत या एक पॉइंट सात थ्योरम है स्टूडेंट्स, लास्ट रही है हमारी इस चैप्टर की, किसी पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण, किसी पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण एक अशून्य संख्या, नॉन जीरो नंबर, एक अशून्य संख्या पी होती है. पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण एक अशून्य संख्या, एक पूर्णांक या तो शून्य होता है या अभाज्य संख्या होती है. पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य होता है, पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य या एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन है. अगर अभिलक्षण शून्य है स्टूडेंट्स, तब स्वयं सिद्ध है ये थ्योरम, क्योंकि शून्य को किसी संख्या से गुणा करो शून्य ही आता है. यदि अभिलक्षण क्या है, शून्य है, तो परमेय स्वयं सिद्ध है. तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूवमेंट. देखिए स्टूडेंट्स, इसका इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, सात थ्योरम चाहिए जिनमें से छह आपको करनी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट छह की छह थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम 1.3, 1.6 और 1.7. तो प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स इसका, पहले क्या मान लिया स्टूडेंट्स, मानना या यहाँ पे लिखेंगे यदि पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण शून्य है तब परमेय स्वयं सिद्ध है. यहाँ पे लिखेंगे यदि पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण, शून्य है तो परमेय स्वयं सिद्ध है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, मतलब फील्ड या पूर्णांकीय प्रांत की अभिलक्षण की परिभाषा से जीरो डॉट ई बराबर जीरो, यही कंडीशन होती है स्टूडेंट्स. तो परमेय क्या, स्वयं सिद्ध है. अब अशून्य संख्या है तो स्वयं सिद्ध है. अब हम मान लें कि मानना पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण एक अशून्य संख्या पी है, तब हमें सिद्ध करना है कि पी क्या है, अभाज्य है. अब क्या मान लेंगे, पुनः माना यदि पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण एक अशून्य संख्या पी है, एक नॉन जीरो नंबर है, जीरो है तब तो परमेय सिद्धि है, एक अशून्य संख्या पी है देन प्रूव दैट P is prime number. P क्या है, अभाज्य संख्या है. Then prove that P अभाज्य संख्या है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला प्रूव करना है कि P क्या है, ये इतना प्रूव करना है कि P अभाज्य संख्या है. जब अभिलक्षण क्या हो, एक अशून्य संख्या P, उस कंडीशन में सिद्ध करना है कि P अभाज्य संख्या है. इसके विपरीत कंडीशन मान लेंगे कि मानना P एक भाज्य संख्या, अभाज्य ना होगी, अभाज्य की कंडीशन होती है कि उसके फैक्टर 1 इंटू पी या पी इंटू 1 ही हो सकते हैं. ये क्या है, अभाज्य संख्या की कंडीशन है. इसके विपरीत मान लेंगे यहाँ पे पुनः मानना, सिद्ध करने के लिए मान लेंगे पुनः मानना पी एक
भाज्य संख्या है, भाज्य या संयुक्त नंबर भी बोल सकते हो, मतलब उसके फैक्टर हो सकते हैं। माना पी एक भाज्य संख्या है, संख्या है, अतः क्या स्टूडेंट्स, अतः कंडीशन आ जाएगी पी का जो मान है वो पी वन गुणा पी टू आएगा, और इन दोनों में जो पी वन और पी टू की जो वैल्यू है वो वन से तो बड़ी रहेगी और पी से छोटी रहेगी, क्योंकि इन दोनों में से किसी या तो वन के बराबर हो जाए तो दूसरा मान पी आएगा, क्योंकि गुणनफल क्या है मतलब वन इंटू पी आना चाहिए या फिर पी इंटू वन आना चाहिए। तो इसका मतलब पी वन और पी टू जो है वो क्या है, शुभ हमने मानना है कि पी एक अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं, तो ये वाला मान नहीं आना चाहिए इसका। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, इसका मीन है कि P1 और P2 की जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ा होगा, P1 और P से छोटा होगा, यही कंडीशन P2 के लिए रहेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने क्या मानना है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभिलक्षण क्या है, अभिलक्षण P है, फील्ड या पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण P है, अतः बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन या फील्ड, फील्ड के अभिलक्षण या पूर्णांक के प्रांत के अभिलक्षण की डेफिनेशन होती है पी डॉट टी बराबर जीरो, जो अभिलक्षण होगा उसके गुणा में आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर जीरो, तो यहां से आ जाएगा पी डॉट ई बराबर जीरो, यही कंडीशन होती है अभिलक्षण की। तो पी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे पी वन इंटू पी टू लिख लेंगे स्टूडेंट, डॉट ई बराबर जीरो, पी ई है वन है, वन इंटू वन लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट है, गुणात्मक तत्समक अवयव स्टूडेंट्स ये, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा P1 इंटू पी टू, पी वन इंटू पी टू और E इंटू ई लिख सकते हैं बराबर जीरो, एक बार E को P1 के साथ ले लेंगे, एक E को P2 के साथ ले लेंगे, तो लिख सकते हैं P1 इंटू ई फिर गुणा में P2 इंटू ई बराबर जीरो, मतलब दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या है, जीरो के बराबर है, और पूर्णांकीय प्रांत और फील्ड क्या होता है, शून्य के बाजकों रहित होता है, इसका मतलब है शून्य के बाजकों रहित कंडीशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो एलिमेंट्स का गुणा जीरो, इसका मतलब है पी वन डॉट ई बराबर जीरो या पी टू डॉट ई बराबर जीरो, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि पूर्ण या डी शून्य के भाजकों रहित है, शून्य के भाजकों रहित है, क्योंकि फील्ड भी शून्य के भाजकों रहित है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक के प्रांत है वो अनिवार्य फील्ड है वो अनिवार्य डोमेन होता है, होता स्टूडेंट्स, फील्ड है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है, उसका मतलब पूर्णांकीय प्रांत शून्य के भाजकों रहित होता है, दो एलिमेंट्स का गुणा जीरो, इसका मतलब या तो ये वाला जीरो या ये वाला जीरो, क्यों, क्योंकि डी क्या शून्य के भाजकों रहित है। तो यहाँ से क्या कंडीशन पता चल रही है, यहाँ से पता चल रहा है पी वन डॉट ई बराबर जीरो या पी टू डॉट ई बराबर जीरो, इसका मतलब है कि डी का जो अभिलक्षण या तो पी वन है या पी टू है, यही पता चल रहा है, यहाँ से अभिलक्षण की डेफिनेशन ही होती है। तो ये इक्वेशन नंबर दो नाम दे देंगे, समीकरण दो से स्पष्ट है कि, समीकरण दो से स्पष्ट है कि डी का, डी या एफ का, डी का मतलब डोमेन, एफ का मतलब फील्ड, डी का अभिलक्षण पी वन या पी टू है, पी वन या पी टू है जो दोनों पी से छोटे हैं, परंतु अभिलक्षण तो हमने पी मानना है, पी वन और पी टू तो पी से छोटे हैं, तो ये नहीं हो सकता, पी वन या पी टू है जो P से छोटे हैं, यह है असत्य, क्यों, क्योंकि हमने अभिलक्षण P ही मानना है और एक ही अभिलक्षण होता है, ठीक है स्टूडेंट, P से छोटे हैं अतः जो असत्य है, जो असत्य है अतः P के फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि अभिलक्षण P माना है, नीचे ये दिखा रहा है कि या तो अभिलक्षण P1 है या P2 है, जो कंडीशन सत्य नहीं है, उसका मतलब है कि जो P से छोटे हैं जो असत्य है, अतः हमारी संभावना गलत है, पी एक भाज्य संख्या नहीं हो सकती, अतः हमारी संभावना गलत है, पी एक भाज्य संख्या नहीं हो सकती, दिस इंप्लाइज पी एक अभाज्य संख्या होगी, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था। पहले तो हमने अभिलक्षण मानना जीरो, जीरो है तब यह कंडीशन अपने आप जीरो डॉट ई बराबर जीरो होता है, तब तो परमेय स्वयं सिद्ध है, फिर हमने माना अभिलक्षण पी है, तो प्रूव करना है पी अभाज्य, हमने मान लिया कि पी एक अभाज्य संख्या है, मतलब उसके फैक्टर हो सकते हैं, तो ये कंडीशन होगी दोनों के लिए, अभिलक्षण पी है तो ये कंडीशन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, पी वन पी टू इसका मान रख लिया डॉट ई, अलग अलग करेंगे तो दो का गुणा जीरो, पहला जीरो या दूसरा जीरो, क्योंकि शून्य के भाजकों रहित है, तो ये कंडीशन यही कहती है या तो अभिलक्षण पी वन या पी टू, और दोनों पी से छोटे, ये हो नहीं सकता, अभिलक्षण पी ही है,
इसका मतलब पी से छोटा कोई अभिलक्षण आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि हमारी संभावना गलत है, हमने जो मानना है वो असत्य है। अतः पूर्णांक या प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण या तो शून्य होता है या एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमारी थ्योरम्स कंप्लीट हो गई है रिंग की, फर्स्ट यूनिट की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।